हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिच के बारे में है। हिच के बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं एक आसान शब्द में मैं बताऊंगा, जैसा आप वीडियो आखिर में देखेंगे तो इस वीडियो को कंटिन्यू आप वॉच करें। तो सबसे पहले हिच, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे हिच मतलब होता है बांध। आपने एक सीलिंग से कितना बांध बांध सकते हैं, अगर हमारे पास एक सीलिंग है तो कभी भी आपको कहना है हम लोग 3 बांध बांधेंगे, जैसा हिचिस। कभी भी आप उसका स्टैंडर्ड नाम ज़रूर याद रखें, जिसको हिचिस बोलते हैं हम लोग, उसको बांध हिंदी में बोलते हैं। तो पहला फर्स्ट वर्टिकल, दूसरा चोकर एंड तीसरा बास्केट। तो इसमें जो सीलिंग जो परफॉर्मेंस है, पहला जो वर्टिकल है वो 100% उठाएगा, जो आपका सीलिंग कैपेसिटी होगा 100% उठाएगा। अगर 2 टन है, 1 टन, 4 टन है, वो 100% उठाएगा। दूसरा चोकर है, चोकर 80% उठाएगा। कभी भी आप याद रखें, कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगर 1 टन है तो वो आपका 800 kg उठाएगा, 1 टन 200 kg माइनस हो जाएगा। दूसरा हो गया बास्केट, बास्केट 200% उठाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, अगर बास्केट में आपका एंगल में बास्केट बन गया तो 170% उठाएगा। तो इस तरीके से परसेंट बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिच 3 टाइप के होते हैं। लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चंस होगा कि मैंने हिच बहुत बहुत तरीके का देखा है, बांध बहुत तरीके का देखा है। लेकिन इसी यही 3 हिच से बहुत सारे बांध बनते हैं, जैसे डबल रेप चोकर हिच, दूसरा बास्केट आपने देखा होगा एंगल में कोई कोई बास्केट बांधता है, वर्टिकल में आपने देखा होगा मल्टीपल सीलिंग भी डालते हैं, तो जिसको हम लोग बैडल हिच भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप मिलेंगे, लेकिन उस टाइप को आपको बोलना नहीं है, लेकिन वो आपको करना है। लेकिन जब आपको इंटरव्यू में जब आएंगे तो आपको हिच पूछे जाएंगे, सीलिंग में कितने हिच हम लोग बांधते हैं, वो 3 टाइप से बांधते हैं, उसका परसेंटेज क्या क्या उठाने का मैंने आपको बता दिया। पहला वर्टिकल, दूसरा चोकर एंड तीसरा बास्केट। तो आई होप आप इस वीडियो में आपने सीखा होगा, और सीखा तो अगर प्रैक्टिकल आपको लेना है तो आप आगे ये वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहे ताकि आपको समझ में आए कि वर्टिकल किसको बोलते हैं, चोकर किसको बोलते हैं और बास्केट किसको बोलते हैं। चलो हम लोग हिच को समझते हैं, हिच क्या होता है। कभी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हिच कितने टाइप का होता है, एक सीलिंग में कितने हिच होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे 1, 2, 3। कभी भी हिच आपको यही 3 प्रकार बताना है। सबसे पहला ये वर्टिकल है, दूसरा चोकर है, तीसरा बास्केट है। तो इसके अंदर फ़र्क ये है, बहुत सारे आपने बांध देखे होंगे तो उसमें यहीं से आते हैं। जैसे ये अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल के बाद अगर हमने मल्टीपल सीलिंग डाल दिया तो ये बैडल हिच हो गया। तो सेकंड अगर चोकर हिच है तो इसको डबल रेप चोकर हिच बांधे, तो इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, डबल रेप चोकर हिच, सिंगल चोकर हिच, जैसा इस तरीके से। जैसे बास्केट हिच देख रहे हैं, बास्केट हिच में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे एंगल में भी बास्केट हम लोग बांधते हैं, तो बहुत सारे प्रकार आते हैं। लेकिन कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हिच टाइप कितने हैं, तो आपको यही हिच बताना है, वर्टिकल, चोकर एंड बास्केट हिच। एक सीलिंग से हम लोग 3 बांध सकते हैं, जो 3 बांध बांध सकते हैं। सबसे पहला वर्टिकल, दूसरा चोकर एंड तीसरा बास्केट। तो आई होप आप इस वीडियो में आपने समझ गया कि किस तरीके से हिच किसको बोलते हैं, जिसको बांध हम लोग बोलते हैं। तो कभी भी इसका स्टैंडर्ड नाम ज़रूर याद रखिए, हिचिस। इसमें लिखा हुआ हिचिस मतलब एक से ज़्यादा, तो इसलिए कभी भी आप ये नाम याद रखें। इंटरव्यू में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सीलिंग में हम लोग कितने प्रकार का हिच बांधते हैं। तो यहीं से आपको बहुत सारे टैप आपको मिलेंगे।